बच्चों, अभी हम कुछ सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जोड़ के सवाल हैं। यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 5। अब इस जोड़ के लिए जो चार्ट है इसका यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो 3 और 5 यानी 3 और 5 को ऐड करेंगे तो इसके माध्यम से मुझे जवाब बताओ। शिवा बताओ। वैसे तो 8 होता है पर करके दिखाओ। 3 पहले 3 है। हाँ 3 और 5। वेरी गुड। दोनों को जब सामने लेके आएंगे मिलाएंगे तो हमारा जवाब 8 आ जाएगा। वेरी गुड। अब 3 और 3 बताएगा कौन? युग बताएंगे। 3 और 3 जोड़ो। 3 और 3 इधर नीली वाली पट्टी देखो। वेरी गुड। ऊपर से 3 ऐसे और फिर जब दोनों को सामने लेके आएंगे तो जवाब क्या आएगा हमारा? 6। 6 यानी कि 6। 4 पहले 3 और 4। 3 और 4 को ऐड करना है इस जोड़ चार्ट के माध्यम से। तो अनन्या बताओ कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले ऊपर 3 लिखा है तो पहले 3 वाली पट्टी पे उंगली रखा और फिर नीचे 4 है हमारे एडिशन में तो नीचे 4। तो 3 को ले 4 के सामने लेके आओ। वेरी गुड। तो 3 और 4 कितना आया जवाब? 7। शाबाश। अब वैष्णवी बताएंगी 6 और 8। हमारा नेक्स्ट सम है 6 और 8। तो 6 और 8 ऐड करना है 6 को 8 के सामने। ये देखो 8 6 को यहाँ नहीं, हाथ से नहीं, आज वैसे नहीं करना है, आज इस चार्ट के माध्यम से करना है। तो 6 को लेकर के आओ इधर 8 के सामने। 8 8 8 ये पट्टी। सिक्स और एट कितना हो गया? 14 यानी 14। शाबाश। अब नेक्स्ट सवाल है 7 और 7 को ऐड करना है। 7 और 7 ऐड करो। सालिका बनो। 7 इधर और नीचे 7। दोनों को दोनों ऐसे उंगली ऐसे करो ऐसे। ये देखो 7 सामने ना, इधर 7 के सामने लगेंगे ये 7 वाली लाइन। तो कितना है? 14 यानी 7 और 7 कितना होता है? 14 यानी 14। आसान। 9 और 7 नेक्स्ट हमारा सम है। 9 और 7 यानी 9 और 7 को ऐड करना है। 9 और 7 शिवा बताओ। 9 और 7 को ऐड करना है। कितना है? 16। शाबाश। 9 और 7 होगा 16 यानी 16। युग बताओ। 9 और 9 नेक्स्ट हमारा सवाल है। 9 और 9 यानी 9 और 9 कितना होता है? 9 और 9 कितना होता है? ये इधर, ये 9 इधर, 9 और यहाँ पे इस 9 के सामने लेकर के आना। 9 इस 9 के सामने से लेके आओ। नीचे 9 है ना, हाथ हटा बेटा। हाँ इसके सामने लेके आओ। ये कितना है? 18। 9 और 9 कितना होता है? 18। शाबाश। 18 नेक्स्ट हमारा सम है। 8 में 7 ऐड करना है। कितना? 8 में 7। अनन्या 8 में 7 ऐड करो। एट 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 8 का है ये। 8 है और इसको बिल्कुल नीचे लाइन ऐसे ऐसे खींचते चले जाओ। 7 के सामने वाली लाइन ये 7 है ना मैंने, इसके सामने लेके आओ और नीचे। वेरी गुड। 15। तो 8 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15। वेरी गुड। अब बताओ वैष्णवी
आठ में पाँच यानी एट में फाइव ऐड करना है। एट में फाइव करके बताओ। तेरह नहीं थर्टीन। शाबाश वैष्णवी। फाइव में सिक्स ऐड करना है। सालिका बनो। फाइव में सिक्स ऐड करना है। सिक्स के सामने लेके जाओ। ग्यारह वेरी गुड। कितना है फाइव में सिक्स यानी इलेवन। ग्यारह फिर है हमारा फोर में थ्री ऐड करना है। फोर में थ्री सेवन। सेवन वेरी गुड। अब नाइन में थ्री ऐड करना है। यू नाइन में थ्री। नाइन में थ्री थ्री के सामने थे। थ्री के सामने नाइन के सामने। हाँ नाइन थ्री बारह। बारह वेरी गुड। नाइन में थ्री हमारा ऐड किया तो आया बारह यानी ट्वेल्व। फिर सिक्स में सेवन ऐड करना है नन्या। सिक्स में सेवन। सिक्स को सेवन के सामने लेके जाओ। सेवन सेवन बेटा। सात छः में सात जोड़ेंगे तो तेरह आएगा। कितना आएगा? तेरह यानी थर्टीन। थर्टीन फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है। ऐड करना है हमको फाइव में नाइन। वैष्णवी फाइव में नाइन ऐड करो। फाइव में नाइन ऐड करना है। नाइन फोर्टीन। फोर्टीन मीन्स चौदह। तो वेरी गुड हमारा आ जाएगा फोर्टीन यानी चौदह। हाँ अब मुझे बताओ सिक्स में नाइन ऐड करना है। सालिका सिक्स में नाइन ऐड करना है। सिक्स में नाइन चौदह। सिक्स में गलत जवाब। सिक्स में नाइन होता है हमारा फिफ्टीन। पंद्रह वेरी गुड। अब सेवा बताएंगे। सेवा बोलो। नाइन में थ्री में एट ऐड करो। थ्री में एट इलेवन। शाबाश शिवाश वेरी गुड। इलेवन शाबाश। क्लैप करो अपने लिए सब लोग।